दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाक्या सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बकरी के नेकी के नाम से ये वाक्या है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो बकरी अपने बच्चों के लिए जंगल में खाना ढूंढने गई और उस बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत की कि बेटा, ये जो गाढ़ है जहां हम रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक मां समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की तलाश में था, भूखा था, ललचाए नजरों से देख रहा था, और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उस बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई और कहती है कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती है कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक मां से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बकरी से दोबारा एक इम्तिहान लेना था। उस बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी की कहराने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा है कि कोई मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था कि ये अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था, तो बकरी ने उसे बार बार देखकर नजरअंदाज कर लिया और उससे नजरें चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करती जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में यह ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चे को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से उस बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि यह बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गाड़ में उसको रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले पड़े पड़े मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। दो तीन दिन तक अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। उस बकरी की देखभाल के बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। तो अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तो अब तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर बकरी को उस शेर के बच्चे पर रहम आ गया कि ना जाने उसके मां बाप कहां हैं, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे बकरी उसे घर ले आई। यहां अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब वो बकरी उसकी मां बन गई थी, यानी पालने वाली मां बन गई थी। बड़े प्यार से उसे पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करने लगी और अपने सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह तबारक व ताला ने बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी फिर से बकरी के बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह से प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी ही मेरी मां है, मां समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर का बच्चा अब बड़ा हो गया
और बकरी बूढ़ी हो गई थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, उसको ये खौफ आता जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन अब उसकी बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो उसे मालूम होगा कि मैं एक शेर हूं और वो एक बकरी। शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही उसका काम है। बकरी सोचती कि क्या ये मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चे को भी खा लेगा। वो अल्लाह पाक से दुआ करती रहती थी कि या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इस शेर के बच्चे को पाला, मां बनकर उसे पाला है, उसका कोई नहीं था। या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। शेर अब जवान हो चुका था। वो शेर उस बूढ़ी बकरी का ख्याल रखता था और बकरी से कहता था कि मां, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको दुआ देती थी। दोस्तों, अब अल्लाह तबारक व ताला की शान करीमी देखिए, यहां पर मोहब्बत का असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वो जवान शेर था जिसको उस बूढ़ी बकरी ने पाला था। वो शेर सीना तानकर बकरी के सामने खड़ा हो गया और उसने उस खूंखार शेर से कहा कि तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम तो इन बकरियों को और उनके बच्चों को खाना है, ये हमारे खुराक हैं। तो जिस शेर को उस बकरी ने पाला था वो कहने लगा कि तुम जो भी कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी थी, उसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, और जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं उसको खा लूं या फिर तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है और तू उसको क्या उसके बच्चों को भी हाथ नहीं लगा सकता? यहां का कोई भी जंगली जानवर उनके घर को उजाड़ नहीं सकता। मैं उनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा कि तू पागल हो गया है, अरे उसको खा ले और उससे अपना पेट भर ले। तो शेर के बच्चे ने कहा कि तू अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा, और उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजे उसके गर्दन पर लगा दी और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा कि तुझे मैं खत्म कर दूंगा, तू उस बकरी का जिसे मैं मां समझता हूं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने उस खूंखार शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर उस बूढ़ी बकरी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरे जात पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में मेरा ये बेटा बन गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर उसका बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रह गया। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो मां बाप को बहुत ही कम समझते हैं, अपने मां बाप को इज्जत तक नहीं देते। हालांकि उनके मां बाप कितनी मुश्किलों से उन्हें पाला है, लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं। आज के बच्चों को अपने बूढ़े मां बाप की कोई फिक्र नहीं, कोई कद्र नहीं। अल्लाह ताला ने मां के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, तो जन्नत का दरवाजा बाप को बनाया है। दोस्तों, अब हम आपको एक मछली का वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम देखने वाले लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मोजेजा करार देने लगे। दोस्तों, आखिर ये वाक्या क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाक्या बहिराए अरब के साहिल पर पेश आया, जहां एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। न उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसका दिन रात समुंदर पर ही गुजर जाते थे और वो खुद को समुंदर का बेटा कहता। वो शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई दिन, कई महीनों तक समंदर में सफर करते रहता। वो खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है।
उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसको बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में अपनी मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते, लेकिन ये शख्स उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और अपनी समंदरी सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो अपनी मछलियां बाजार में बेचकर जब वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसके कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती में ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ये लड़की तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तसद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकरी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली और मैं साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरे घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसके हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया और लड़की भी रजामंद हो गई। और फिर मछुआरे ने उस समुंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और फिर उन दोनों ने निकाह कर लिया। अब ये दोनों मियां बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 माह बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हर दम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तजा करती कि ऐ रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानीब मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गया। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर अपना जाल समंदर में फेंका तो इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न पीने का। बहरहाल, मछुआरा मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी उस मछली का पेट चाक किया ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। दोस्तों, कुदरत का मौजा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा कि ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का भी रिज्क लिखकर इस दुनिया में भेजा है, मैं उसकी परवरिश करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से अपनी बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया, सुभानल्लाह। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है। इस्लाम के मुताबिक
जब एक मछली को जिबाह नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तखलीक की है और एक निजाम कायम की है, और ऐसा ही मुआमला मछली के साथ भी है। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेती है और मछली के मुंह में एपिकोलाइटिस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिकोलाइटिस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की जरूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिकोलाइटिस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे एक पोशीदा हकीकत को भी अश्कार किया है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी हैरान रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राबता खत्म हो जाता है, और दिल जानवर की भर्दों और सरयानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है, और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब, जब किसी जानवर को इस्लामी तरीके से नहीं बल्कि झटके से हलाक किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन इखराज नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाली जरासिन और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है, और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो ये पूरे गोश्त को ही खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और ये उस कौम की एक आजमाइश थी, लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह ताला के हुक्म को पशे पुस्त डाल दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं है, और इस्लाम की वाज़ह हुक्म आने के बाद पिछली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, उसका हमारे शरीयत में इंतजाम नहीं किया गया। क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है, और हफ्ते वाले दिन बेला किसी तरद्दुक के मछली खाना जायज है, और अगर कोई शख्स इस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत महसूस करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं है। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम के तौर तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हदीसे पाक में वाज़ह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।